नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिंकी कोजी किचन में स्वागत है। आज हम बचे हुए चावलों की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे, जो कि आज तक आपने बिल्कुल भी नहीं खाई होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि बचे हुए चावलों की इतनी अच्छी रेसिपी बन सकती है। तो आइए बचे हुए चावलों की रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये रात के बचे हुए चावल है, आप इसमें फ्रेश चावल भी यूज कर सकते हैं, उनकी भी बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो इनको हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ढक्कन लगाकर अभी हम पीस लेते हैं इसको। तो ये लीजिए, हमने चावल को पीस लिया है। तो ये देख सकते हैं हम कितना अच्छे से हमारा ये चावल पीसा है। अभी हम दिखा देते हैं किस तरह का हमने चावल को पीसा है। हमें एकदम बारीक पीसना है। तो अभी इसको हम एक खाली बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये हमने अपने पेस्ट को एक बाउल के अंदर निकाल दिया था। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 चम्मच ये बेसन के डाल दिए हैं, क्योंकि हम ढोकला बनाने वाले हैं बेसन और बचे हुए चावलों का। तो ये चम्मच है जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं, उसी चम्मच को हमने 3-4 डाला है इसमें बेसन को। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच चीनी का, 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालना है आपको, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब चीजें डालकर हम एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इसका एक घोल सा बनाना है। तो ये लीजिए, हमारा ये घोल बनकर तैयार है। आप देख सकते हो किस तरह का हमने ये घोल बनाया है। मैं आपको नजदीक से थोड़ा दिखा देती हूँ, हमें इस तरह का ये घोल तैयार करना है, ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा थिक। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब इसको एक बार साइड में रख देते हैं। पहले हम जिसमें हम ढोकला बनाएंगे उसमें हम थोड़ा सा घी या तेल लगाकर ग्रीस करेंगे। अभी हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने अपने ढोकले वाले डिब्बे को भी तैयार कर लिया है। अभी हम इसको भी उठा लेते हैं और दोबारा से हम इसके अंदर सामान डालेंगे, पूरा प्रॉपर करेंगे इसको। अब इसमें हम ये एक इनो का सैसे डालेंगे, ये लेमन फ्लेवर में है, आप देख सकते हो। ये हम एक पूरा सैसे डालेंगे इसके अंदर, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये नींबू का रस है इसको डालेंगे, ताकि जल्दी से ये एक्टिवेट हो जाए। और इसके अंदर ये जो बबल्स है इसने फुला दिया है इसको एकदम से, और इसको हम अंदर ही करेंगे इसके बेसन के, ऐसे चलाते हुए फेंटना है हमें इसे, ताकि ये जो बबल्स हैं बाहर दिखाई दे रहे हैं ये सारे इस बेसन के अंदर चले जाए और इस चावल के अंदर। तो ये लीजिए, हमारा ये बैटर बनकर तैयार है। अभी हम इसको तुरंत इस डब्बे में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए, मैंने
बैटर को ट्रांसफर कर लिया है केक डिब्बे में। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे टैप करेंगे इस तरह से, ताकि जहां जहां खुला हो ये ना भरा हो वहां से भी इसमें जो छेद है वो भर जाए। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, ताकि और भी हमारा ये दिखने में अच्छा हो जाए। आप इस पर किसी भी तरह का डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी हम ये लाल मिर्ची को, ताकि ये ढोकला और भी सुंदर दिखे। तो ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। अभी पहले से मैंने गैस पर कढ़ाई में थोड़ा पानी डालकर चढ़ा दिया था, ताकि कढ़ाई परी हीट हो जाए। तो चलिए इसको हम रख देते हैं कढ़ाई के अंदर फटाफट से। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई को किस तरह से गर्म कर लिया है। अभी इसके अंदर हम ये डब्बा रखेंगे। और इसको ऊपर से ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमें इसे चेक करना है। 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे, ढक्कन को उठाएंगे और कोई भी चम्मच वगैरह ले लेंगे और उसको इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। तो इस तरह देखेंगे, देखिए हमारा ये चम्मच थोड़ा सा इस पर लगा हुआ, यानी थोड़ी सी अभी तक बाकी है। ये पकानी है अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए, फिर से हम ढक देते हैं। तो 1-2 मिनट हो चुके हैं, अभी फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो चम्मच पर कुछ भी नहीं लगा है। तो ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल कर बाहर ठंडा करेंगे। तो ये हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है, तब तक ये ठंडा होता है। इसके लिए हम तड़का बना लेते हैं। तो इधर मैंने पैन को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन को गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, या फिर आप रिफाइंड तेल जो भी खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। तेल के गर्म होने पर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच राई। राई को चटने के बाद इसमें हम कड़ी पत्ते भी डालेंगे। सभी चीजों को एक बार मिक्स करेंगे और साथ में इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को काट कर डालेंगे। अब सब चीजों को भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला बनाएंगे। तो ये हमारा तड़का बनकर तैयार है। अभी हम फिर से ढोकले को देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो इधर हमारा ढोकला भी ठंडा हो चुका है, देखिए हाथ लगाकर देख सकते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तभी हम इसको निकालेंगे ठंडा होने पर ही। तो अभी हम कोई भी चाकू लेंगे, उसकी सहायता से हम इसके साइड कट करेंगे, ताकि आसानी से निकल जाए। तो अभी हम कोई प्लेट लेंगे, उसके ऊपर हम ये रखेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा ये ढोकला निकल चुका है कितने अच्छे से। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अभी इसके ऊपर हमने जो तड़का बनाया है वो डालेंगे। पहले हम इसके पीस कर लेते हैं, मनचाहे हम पीस करेंगे। तो लीजिए हमने इसके पीस कर लिए हैं। अभी मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ कितना हमारा ये बचे चावलों का स्पोंजी ढोकला बना है। तो आप देख सकते हो कितने आराम से ये दब रहा है और इसमें कितने बबल्स हैं, जालीदार ढोकला बना है, जैसे हम मार्केट की शॉप से लेकर आते हैं। तो अभी इसके ऊपर हम ये तड़का डालेंगे तो सेम वैसा ही बन जाएगा ये, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके ऊपर हम ये तड़का डाल देते हैं। आप चाहो तो इसको रसीला भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे ही ड्राई भी खा सकते हो। वैसे दोनों ही तरह से अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। इसको सर्व करने के लिए हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। हम अभी
टेस्ट करके भी बता देते हैं। बहुत ही अच्छा है, कोई भी कह नहीं सकता कि हमने बचे हुए चावलों से बनाया है। तो आप भी झटपट अगर आपके घर में चावल बचे हैं तो जरूर से बनाइए, और रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।